जय हिंद दोस्तों आप सभी का यूट्यूब चैनल मरंत क्लासेस में स्वागत है आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन यानी जनरल नॉलेज का एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वन लाइनर एम को लाए हैं यह वीडियो आने वाला सभी एग्जाम जैसे एसएससी रेलवे या बीपीएससी बिहार दरोगा या किसी भी स्टेट का पीसीएस एसएससी सीजीएल सीएचएसएल ग्रुप डी एसएससी जीडी सभी के लिए या जितना भी इसमें प्रश्न शामिल किया गया है सभी प्रश्न इन सभी एग्जाम के लिए अति आवश्यक है तो अगर आप हाल फिलहाल में इन सब का किसी भी का भी एग्जाम दे रहे हैं चाहे सी डी एस हो एन डी ए हो या कोई किसी भी राज्य का स्टेट पी सी एस हो यूपी पी सी एस हो सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही आवश्यक होने वाला है यह वीडियो हम इसमें लगभग पाँच सौ वन लाइनर एम सी क्यू कराएँगे मेरा टारगेट है कम से कम पाँच हज़ार एम सी क्यू कराने का इससे पाँच हज़ार अगर हम करा देंगे तो इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा तो हम पाँच सौ पाँच सौ क्वेश्चन करके लगभग दस वीडियो में हम यह पूरा कवर करा देंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास पहला क्वेश्चन है वेग कैसी राशि है सदिश राशि संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ 26 नवंबर उन्नीस को कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है पोटेशियम किस स्थान पर बुद्ध ने पांच सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की सारनाथ में उमा की तपस्या शिव पार्वती बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं नंदलाल बोस की सौरमंडल की खोज किसने की कॉपर निकस ने भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था एस एल वी थ्री राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है स्वास्थ्य मंत्रालय व्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध या बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता था तारा ठनी बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी किशनगढ़ शैली 80 परसेंट से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है जल संविधान द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया 26 नवंबर उन्नीस को संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया 26 नवंबर उन्नीस को न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है जड़त्व का नियम कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है तेरहवें शिलालेख में विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है लियोनार्डो द बिंची की सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है मंगल पर मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की लियोनार्डो द बिंची ने शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है एक वर्ष से पूर्व बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था शाहना ए मंडी मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है बिहार की कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है सीसा संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे सात सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है राइबोसोम अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ने रियासत नियुक्त किया था मलिक याकूब को बेगम अख्तर गायन की किस विद्या से संबंध है गज़ल गायकी से एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन टू डी पावर ट्वेल्व किलोमीटर नौ दशमलव फोर नौ दशमलव चार छः गुना दस पे पावर बारह किलोमीटर ओलंपिक मसाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है सूर्य किरण से भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है छः सौ चालीस संतलतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे फिरोज शाह तुगलक माइका पांडे किस क्षेत्र से संबंध है वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है द्रव्यमान संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे जे.बी. बी कृपलानी लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है असमांग मिश्रण औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था साइस्ता खां को यहूदी मेनूहीन किस वाद्यंत्र के प्रमुख वादक थे वायलिन के सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्या कहलाता है सौर कलंग विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ हृदय का जनगणना की तर्ज पर गणना वाला पहला राज्य कौन सा है कर्नाटक किस मुग़ल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाए औरंगजेब ने व्हीटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंध है पॉप गायकी से व्हीटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंध थे पॉप गायकी से किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है पुरुष का किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है अनुच्छेद चौदह शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है अष्ट प्रधान शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया मराठी को तरने तर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है गुजरात का चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मात्रा का कितना है एक बट छठा भाग कौन भारत का अंतिम बायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई अठारह ईस्वी में क्षमा किस धर्म से संबंध त्योहार है जैन धर्म से शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है समान किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई है अनुच्छेद सोलह में किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है क्रिस्टल विधि द्वारा किसने आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने नवरोज किन लोगों का नव वर्ष दिवस है पारसियों का सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है डिमोस रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया उन्नीस सौ अस्सी ईस्वी में तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था उन्नीस सौ इकसठ से छियासठ ईस्वी किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो स्वदेशी राज की तुलना में खराबी है दयानंद सरस्वती ने उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है कर्नाटक में क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं डीएनए एवं प्रोटीन अनुच्छेद सत्रह किस विषय से संबंध है अस्पर्श्यता का अंत एक किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है नाइन पॉइंट एट न्यूटन उत्तर वैदिक काल में मृदभाडों में किस प्रकार के मृदभाड सर्वोपरि विशिष्ट सूचक है चित्रित दूसर मृदबान मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है भुवनेश्वर में मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है भुवनेश्वर में पृथ्वी का रेखीय व्यास कितना है बारह हजार सात सौ छप्पन किलोमीटर मेडोना किसकी चित्रकृति है राफेल की भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही तृतीय पंचवर्षीय योजना में ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है पशुओं की चोरी साइलेंट वैली किस राज्य में है केरल में जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में हो तो उनमें क्या पाया जाता है विपरीत चक्रण किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद उन्नीस एक में हाइजा यानी कोलरा के जीवाणु की खोज किसने की रॉबर्ट कोच ने आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था कृषि चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है बौद्ध धर्म के पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है बारह हजार सात सौ चौदह किलोमीटर महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई उन्नीस सौ ईस्वी में अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की परमेश्वर की बौद्धों का तांबो मठ किस राज्य में है हिमाचल प्रदेश में किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है घर्षण के किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन की किनका सामान्य नाम न्यूक्लीऑन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी बल्लभ उपाधि धारण की पुलकेशिन द्वितीय ने किसने लिखा निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्युमिनियम से हुआ है क्रस्ट की मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है हृदय भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है निर्यात का विविधीकरण। बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था पुलकेशन द्वितीय अबलो नसानी अब न नशे हो। पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है विनय पत्रिका में रेबीज का टीका किसने बनाया लुई पस्चर ने सबसे कम, उर, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे नीलम संजीव रेड्डी सोलह सौ पैंसठ ईस्वी में पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई जय सिंह और शिवाजी के मध्य सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था मोहम्मद हुसैन को मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना यह पंक्ति किसकी रचना है मोहम्मद इकबाल की पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहते हैं भूप्रपट्टी को कौन सा सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था हैदराबाद का निजाम भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है नई दिल्ली में किसको सीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था अब्दुल समद को वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है सोहन लाल त्रिवेदी द्वारा कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है घर्षण सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे वी वी गिरी किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस एक है हाइपोक्लोरस अम्ल में पीडियायूरा पिट्राड्यूरा पिट्राड्यूरा का आरंभ किसने करवाया जागीर ने किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है ऑस्ट्रेलिया का भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है ऑक्सीजन नासा के एक टेलीस्कोप केपलर मिशन का प्रमोचन कब किया गया सात मार्च 2009 को एल के आयात के लिए भारत में पहला एल टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया था दाहेज गुजरात में किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ लॉर्ड वेवेल के किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है इराक का आवृत बीजी एनजीओ स्पर्म के किस कुल से नारियल संबंध है पालमी कुल अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं किस राज्य से संबंध थे आंध्र प्रदेश चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के गति के किस नियम से संबंध है गति के तृतीय नियम से जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था क्लीमेंट एटली सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है भारत की पृथ्वी का कोर किस रूप में है पिघला द्रव्य आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है मेकिया वैली को किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है ओपैक के साथ वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कब की थी चौदह जून 1945 सौ पैंतालीस को सी आई ए किस देश की गुप्तचर एजेंसी है संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे पर जंग लगाना किसका उदाहरण है ऑक्सीकरण का मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है प्रधानमंत्री एनजीओ स्पर्म के कुछ एनजीओ स्पर्म के किस स्कूल कि से गन्ना संबंध है कुल से ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा गया है अमाजू ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है एम्स्टरडम में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तिब्बत का पठार सेन वार्न सेंचुरी माई ऑफ हंड्रेड टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी लिखी पुस्तक है सैन वार्न की भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी उन्नीस सौ में ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त है अनार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन कि स्थापना किस वर्ष की गई उन्नीस ईस्वी में एक आदमी पाँच के जी का सूटकेस पकड़े हैं तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा शून्य यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो वह इसकी सूचना किसे देता है प्रधानमंत्री को किसी गैस का अनुभार उसके घनत्व का कितना होता है दोगुना गौपत ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है वेद से मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई उन्नीस ईस्वी में कोटोपेक्सी पर्वत किस देश में स्थित है इक्वाडोर में एक कोशिकिया जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया ल्यूवन हॉक ने केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं भूमि के प्रयोग के लिए इल्तुतमिश के राजदरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था मिन्हाज उस सिराज को मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है जेनेवा स्विट्जरलैंड में सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है गुद्देदार पुष्पासन भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे गुलजारी लाल नंदा अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली मसूलीप्टनम में सोलह सौ ग्यारह ईस्वी में नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियार्ट के संपादक कौन थे चंद्र मुखर्जी भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है सियाचिन विश्व के सबसे ऊँचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ अल्पाइन हलचल के दौरान किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल में युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था लॉर्ड वेलेजली हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा मोटे अनाजों पर पांडेय शासकों की राजधानी कहाँ थी मदुरई भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है माजुली घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है स्थितिज ऊर्जा किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था जवाहरलाल नेहरू का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या है एक अनुपात चार जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया प्राकृत या अर्ध माग नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है एक जनवरी को कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है राउकी पर्वत सनझाऊ द्वितीय एवं सन चतुर्थ किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान है? चीन के भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना अठारह सौ चौरासी ईस्वी में किसने की ज्योतिबा फूले ने प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है 9 जनवरी को जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है पुष्प जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहते हैं उन्हें कौन सा प्रश्न कहा जाता है और तारांकित प्रश्न किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है माइक्रोफोन द्वारा प्रतापपुर नगर की स्थापना किसने की दुर्लभ दुर्लभ के ने। चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है एक जुलाई को एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है काला सागर आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है मेकिया वेली को रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु कौन सा बंदरगाह स्थापित किया गया था दाहेज बंदरगाह प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन था मिहिर भोज अंतरराष्ट्रीय मंडेला दिवस कब मनाया जाता है अठारह जुलाई को सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है इथाइल मरकैप्टन संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी अनुच्छेद उनासी में दारोगा जी किस फल की विकसित प्रजाति है बेल की साची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया अशोक ने बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है उन्नीस जुलाई को बेरिंग जलमंडू मध्य किन दो देशों के मध्य है अमेरिका एवं रूस के डोनाल्ड ब्रेडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे क्रिकेट के टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तीसरा महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था पाली भाषा में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है 26 जुलाई को प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसमें होता है प्रकाश संश्लेषण में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है पचास सदस्यों की बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मिथेन का होता है पैंसठ प्रतिशत अशोक के सात स्तंभ लेख कितने अलग अलग स्थानों पर मिले हैं छह स्थानों पर थल सेना का प्रमुख कौन होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थल सेना का प्रमुख कौन होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है गल्फ स्ट्रीम किनकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है कोशिका भित्ती एवं क्लोरोप्लास्ट वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है भारतीय रेलवे किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के लिए किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है, है? नई दिल्ली में देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी डॉक्टर आर एन सिंह ने किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है उत्तर प्रदेश का भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कोलबर्ट को संतलतकालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया मुबारक खिलजी ने कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है पुणे में यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा कौन सी है गल्फ स्ट्रीम किसने कहा था भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं मेगा स्थनीज ने किस एकल उद्यम में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं भारतीय रेलवे में कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया अलाउद्दीन खिलजी थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है शिमला में सूर्य के दर्मान का कितना प्रतिशत भाग हाइड्रोजन का होता है सत्तर प्रतिशत भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है सर्वोच्च न्यायालय में बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है कॉफर जिंक और निकल का इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई 12 अगस्त सत्रह सौ छप्पन ईस्वी में भारत में चलित न्यायालय का विचार किसके दिन है डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम की भारत में कृषि ज्योत का अधिकतम आकार किस राज्य में है राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय इको पर्यटन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्लोरिडा में वर्ष उन्नीस सौ छिहत्तर ईस्वी तक आई किस बैंक का अनुशंसी बैंक था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था खडक सिंह भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है गंगा नदी को पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त किया जाता है बकरी कश्मीरी बकरी से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है असंजक बल के कारण प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय कौन पंजाब का शासक था दिलीप सिंह पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनर्जी बेनर्जी भुट्टो की हत्या कहाँ हुई थी रावलपिंडी में कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है एर्नाकुलम किसे मानवतावाद का संस्थापक माना जाता है पेट्रॉक को आईटीबीआई आई में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है बावन दशमलव सेवन वन परसेंट पंद्रह अगस्त उन्नीस को यानी जिस दिन भारत को आज़ादी मिले उस समय कांग्रेस के कौन अध्यक्ष थे जी बी मावलंकर सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ 2005 में पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनता है कॉपर और जिंक द्वारा विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है राष्ट्रपति को मुर्गियों की सबसे गम मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी क्या कहलाती है रानी खेत कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था नागौर राजस्थान में भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है मध्य प्रदेश वर्ष 2015 के वर्ल्ड क्रिकेट कहाँ आयोजित होंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आरबीआई द्वारा आईडीबीआई को कब एक अनुसूचित बैंक बना दिया गया 11 अक्टूबर 2004 को असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के चाय बागान के मजदूरों ने अपने वेतन की बढ़ोतरी की मांग शुरू की असम के सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट किस देश का उच्चतम न्यायालय है चीन का सूर्य से प्रति सेकंड कितनी जूल ऊर्जा निकलती है तीन दशमलव आठ छह गुना दस पे पावर छब्बीस जूल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है जिंक ब्लैंड से रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई शुंग काल में ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी जूलिया गिलार्ड विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है भारत चावल के लिए कौन सी सेवाल का जैव उर्वरक का प्रयोग लाभकारी होता है नील हरित सेवाल का किस प्रकार के बैंक भारत में कृषि शाख के संस्थागत स्रोतों में प्रथम स्थान पर है वाणिज्यिक बैंक शुंग वंश के देवभूति की हत्या कर किसने कन्व वंश की स्थापना की वासुदेव ने कोसोबो ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किस देश से की सर्बिया से किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है वित्त आयोग किस सूफी संत को बख्तियार काकी कहा गया ख्वाजा कुतुबुद्दीन को प्रारंभिक चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था बाघ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय इग्नू का मुख्यालय कहाँ स्थित है नई दिल्ली में विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है भारत किसने पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा कहा मेगा ने आशा योजना किनसे संबंधित है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से अकबर जहांगीर को किस नाम से पुकारता था शेखो बाबा इग्नू की स्थापना किसके द्वारा की गई केंद्र सरकार द्वारा वायुमंडल के ऊपरी भाग में प्रति वर्ग मीटर पर प्रति सेकंड कितना सौर ऊर्जा आपतित होती है तेरह सौ सत्तर जूल संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं पैंतालीस निर्लज कॉपर का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है जल के जहांगीर के बचपन का क्या नाम था सलीम प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ था नई दिल्ली में पर्वत निर्माण संबंधी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया वेगनर ने अर्जुन वृक्ष की छाल किस रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है हृदय रोग सरकार आपके द्वार योजना किस राज्य से संबंध है बिहार से मनसबदारी व्यवस्था में दू अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा कि की शुरुआत किसने की जहांगीर ने मारिया मोंटेसरी का नाम किस विषय से संबंधित है बाल शिक्षा से न्यूजीलैंड में पाए जाने वाली उड़न विहीन पक्षी कौन सी है कीवी संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं तीस पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है जी का मान घटता है किस वायसराय के काल में 1917 सौ ईस्वी में शिक्षा पर सेडलर आयोग का गठन हुआ लॉर्ड जेम्स जम्सफोर्ट के 26 ग्यारह तारीख का संबंध किस घटना से है मुंबई में आतंकी हमला से अफ्रीका का एकमात्र मोड़दार या वलित पर्वत कौन सा है एटलस पर्वत यूटोपिया किसकी रचना है टॉमस मूर की विवाह सगुन योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है हरियाणा की किस वायसराय के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी लाउड रीडिंग के राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के स्थापना किस वर्ष की गई थी 1948 सौ ईस्वी में नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं पंद्रह रेशम उत्पादन करने वाला जीव कौन सा है बॉम्बिक्स मोरई ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कब प्रारंभ किया गया दो फरवरी 2003 को ब्लैक हिल ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 2019 का वर्ल्ड कप क्रिकेट कहाँ खेला जाएगा इंग्लैंड में जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है हरियाणा में मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था मथुरा हैंगिंग गार्डन कहाँ स्थित है बेबी में पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है ध्रुव पर मुख्यमंत्री की युक। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है अनुच्छेद एक के तहत भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है डी टू ओ प्रथम जनसभा कहाँ आयोजित की गई पाटलिपुत्र में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित फिल्म एलिजाबेथ के निर्देशक कौन थे शेखर कपूर अराकान योमा किस देश में है म्यांमार में कबक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है काइटीन की भारत के राष्ट्रीय शेयर बाज़ार का मुख्यालय कहाँ है मुंबई में कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है राजनीति फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के पति की भूमिका किसने अदा की है राजकुमार ने हाइजा किस कीट से फैलता है घरेलू मक्खी से राज्य सरकार का वास्तविक प्रदान कौन होता है मुख्यमंत्री शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है सासाराम में सिख धर्म के संस्थापक कौन थे गुरु नानक किस फिल्म निर्माता ने 1917 में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की थी दादा साहेब फालके ने किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है प्रशांत महासागर में काल में नगर का अध्यक्ष क्या कहलाता था नायक किस बाजार को अर्थव्यवस्था का बेरोमीटर कहा जाता है शेयर बाज़ार को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया मीर वकी ने स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है सिनेमा में पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है मुख्यमंत्री शीशा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है गैलेना से हुमायूं नमा की रचना किसने की गुलबदन बेगम ने द चाइना पेसेज के लेखक कौन हैं जे के गालेत महासागरीय ज्वार संबंधी अप्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया एयरी ने भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर मैग्रोव वनस्पति है जीरो दशमलव एक चार प्रतिशत पर अपने देश की मुद्रा का विदेशी मुद्राओं की तुलना में अधिक मूल्य प्रदान करना क्या कहलाता है अधिमूल्यन नागरिक सेवाओं के प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः कब स्वीकार किया गया अठारह अच्छा सौ तिरपन ईस्वी में हेरी पॉटर सीरीज की लेखिका कौन है जेके रोलिंग संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है हाइड्रोफिश समुद्री सांप मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है राज्यपाल को पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान पर क्या असर होगा जी का मान कमेगा कौन सा वायसराय साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेरी डिथ के नाम से जाना जाता था लॉर्ड लिटन गीतांजलि की रचना किसने की रविंद्रनाथ टैगोर ने बरमूडा त्रिकोण किस महासागर में स्थित है अटलांटिक महासागर में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई इंग्लैंड में यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा मुद्रा स्फीति बढ़ जाएगी किस वायसराय ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम उम्र सीमा इक्कीस वर्ष से घटाकर उन्नीस वर्ष कर दी थी लॉर्ड रिपन ने कमाइनी किसकी रचना है जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है शीशा पंचायती राज्य किस सूची में है राज्य सूची में तंबाकू के मोजेक रोग का कारक विषाणु कौन सा है टी एम बी टोबेको मोज़ेक वायरस बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया महापरिनिर्माण नाथ रेणु के किस कहानी पर राजकपूर ने तीसरी कसम फिल्म बनाई थी मारे गए गुलफाम कंपनी अंश यानी शेयर पर मर्यादित होने का क्या अर्थ है निवेश राशि सीमित होना संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है बेसबॉल एशिया महादेश के सबसे उत्तरी भाग में कौन सी वनस्पति पाई जाती है टुंड्रा वनस्पति गौतम बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्माण प्राप्त किया अजात कि किसने कहा था उसने कहा था किस साहित्यकार की प्रसिद्ध कहानी है चंद्रधार शर्मा गुलेरी की वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव आर्थिक नियोजन किस सूची में है संवर्ती सूची में ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है कैडमियम का ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है कैडमियम का बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है उपसंपदा या प्रवज्या माखन लाल चतुर्वेदी की कौन सी कविता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित रही पुष्प की अभिलाषा ओबरा किसके लिए जाना जाता है ताप विद्युत गृह के लिए किस आवृत बीजी कुल से संतरा पर संबंध है रुटेसी से किस आबृत बीजी कुल से संतरा संबंध है रुटेसी कुल से किस शेयर के धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं इक्विटी शेयर के धारक फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी बहार खां लोहानी ने निशस्त्र सेनानी कविता की रचना किसने की माखन लाल चतुर्वेदी ने मनुष्य में सामान्य निरण्य यानी फास्टिंग रुधिर सरकिरा प्रति स्तर एक सौ एम एल रुधिर कितना होता है सत्तर से एक सौ मिलीग्राम सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची में है सम्वर्ती सूची में किसने मनसबदारी व्यवस्था में एक नई प्रथा मशरूत की शुरुआत की औरंगजेब ने शेर खाने ने शेरशाह की उपाधि किस युद्ध के जीतने के बाद धारण की चौसा का युद्ध व्यास सम्मान कौन सा संगठन देता है के के बिरला फाउंडेशन भारत में जल विद्युत गृह सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था दार्जिलिंग में काल में वन विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता है आटवीक किसी संयुक्त कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को कंपनी के लाभ का वितरण क्या कहलाता है लाभांश सूर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था शेरशाह व्यास सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है दो दशमलव पाँच लाख तेज आंधी आने पर टीन की छत का उड़ जाना किस सिद्धांत पर आधारित है बर्नौली के प्रमेय पर भारतीय रेल किस सूची का अवयव है संघ सूची का लुथियम का संकेत क्या है टी एम असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय कौन भारत का वायसराय था लॉर्ड जेम्सफोर्ड शंकर पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है एक दशमलव पाँच लाख भारत में कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है तमिलनाडु में वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन क्षति वाला राज्य कौन सा है आंध्र प्रदेश एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज किस वायसराय के कार्यकाल में होमरूल लीग की स्थापना हुई थी लॉर्ड पोर्ट के मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है साहित्य क्षेत्र में किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है पिलिया को राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है महाधिवक्ता ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है लोहा में किस वायसराय के शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ लॉर्ड लिनलिथगो के मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को कितनी राशि प्रदान की जाती है पचास हजार पौंड प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है द्वितीय किसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है जॉन विक लिफ को मानव सूचकांक मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है महबूब उल हक की अशोक के शासनकाल में आउत बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था मोगली तिस मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किस वर्ष शुरू हुई उन्नीस सौ इक्यावन ईस्वी में घरेलू प्रसीतक में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है अमोनिया भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है राज्य के नीति निदेशक तत्व तो। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है लगभग साठ प्रतिशत अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है बारहवा शिलालेख कौन सा पुरस्कार एशियाई नेबल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है रेमन मैक्सेसे पुरस्कार कौन सा चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है दस डिग्री चैनल बेसबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं नौ उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसके द्वारा पारित किया गया अल्फ्रेड मार्शल द्वारा कुषान वंश के किस शासक ने केवल तांबे के सिक्के चलाए कुजुल कडफिसस ने भारत भारतीय सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है दो दशमलव पाँच लाख मनुष्य की सभ्यता सीमा कितनी है बीस हजार से बीस हजार संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है साधारण बहुमत अम्लराज में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अनुपात क्या होता है एक अनुपात तीन मुगल काल के किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था भड़ोच को नेबर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी मदर ट्रेसा समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है श्रीलंका तरबूज किस आवृत बीजी कुल से संबंध है कुकुर बिटेसी से आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया डब्लू डब्लू रोस्टोव ने मुगल कालीन किस व्यवस्था के तहत प्रशासनिक व्यवस्था का सैन्यकरण किया गया मनसबदारी व्यवस्था सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नेबल पुरस्कार प्रदान किया गया रविंद्रनाथ टैगोर को प्लाज्मा में प्रोटीन किस अवस्था में पाए जाते हैं कोलायड अवस्था में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया 1990 सौ नब्बे ईस्वी में पित्र दूरा का प्रथम प्रयोग किसके मकबरे में किया गया हुमायूं के किसके शासनकाल में दू अस्पा सी अस्पा रैंक लाया गया जागीर के साहित्य में नेबल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अश्वेत लेखिका कौन है टॉनी मॉरिसन उन्नीस में नाथुला दर्रा किस राज्य में है सिक्किम में भारत में ब्रिटिश राजनीति सत्ता का आरंभ किस युद्ध में अंग्रेजों की विजय से माना जाता है प्लासी का युद्ध भारत के किस राज्य में निर्धन लोगों की सर्वाधिक संख्या है उत्तर प्रदेश एनी बेसेंट ने होमरूल लिंक की स्थापना कब की सितंबर 1916 सौ ईस्वी में रवींद्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए 1913 सौ तेरह ईस्वी का नोबेल पुरस्कार दिया गया गीतांजलि के लिए शेर की दहाड़ और मच्छर की भनभनाहट में किसका तारत्व अधिक होता है मच्छर की बनबनाट का रेगुलेटिंग एक, एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया सत्रह सौ तिहत्तर ईस्वी में किस भौतिक गुणधर्म भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व क्या कहलाते हैं अपर रूप होमरुल लीग किसने प्रारंभ किया बाल गंगाधर तिलक ने प्रोफेसर अमित सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत के किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है गंगा नदी का विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है न्यू केसर जनगणना महानिबंधक पद का किस वर्ष सृजन किया गया उन्नीस ईस्वी में नासिक के जैक्सन हत्याकांड का कौन प्रमुख अभियुक्त था जिसे फांसी की सजा दी गई थी अनंत कनेरे असगरी बाई किस क्षेत्र से संबंधित थी ध्रुपद गायिका से वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा तय होता है जीन के द्वारा महारानी बैक्टीरिया को किस वर्ष भारत का सामग्री बनाया गया अठारह ईस्वी में जीरो डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है 331 मीटर प्रति सेकंड किसने भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक माना जाता है राजा राम मोहन राय को किसे भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक माना जाता है राजा राम मोहन राय को विन देवासिनी देवी किस क्षेत्र से संबंधित थी लोकगीत गायकी से वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन है बुद्ध और शुक्र अमेरिका की खोज किसने की कोलंबस ने प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन था आर ए गोपाल स्वामी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई 1916 सौ ईस्वी में भानु भारतीय किस क्षेत्र से संबंध है रंगशाला निर्देशन से ग्रेफाइट किसका अपर रूप है कार्बन का मार्लोमिंटो रिफॉर्म उन्नीस सौ का उद्देश्य क्या था पृथक निर्वाचन प्रणाली पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है एक्स वाई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की दादा भाई नोरेजी ने मंजूर उल हक किस क्षेत्र से संबंध है गायन से सूर्य के गीत एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिक समय लेता है नेपच्यून किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है वांचिंग भुटिया जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया उन्नीस सौ उनहत्तर ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के किस स्तर से नक्काशीदार ईटें मिली हैं कालीबंगा से पंडा नल्लूर शैली और तंजोर शैली किस नृत्य की प्रमुख शैलियाँ हैं भरतनाट्यम की कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है एक बटा दस सेकंड तक भारतीयों को वर्ष उन्नीस में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना क्या कहलाती है माउंट बेटन योजना यूएसए में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है कैलिफोर्निया में सुत् गेंडोर और सुरकोटदा कैसे नगर थे समुद्र तटीय नगर अट्टम तथा कृष्ण अट्टम के संयोग से किसे शास्त्रीय नृत्य शैली का उद्गम माना जाता है कथकली को सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलिया पिंड हैं वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के मध्य अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है इथाइल अल्कोहल पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई उन्नीस सौ तेरासी ईस्वी में सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है जयमिति से भारतीय कला केंद्र कहाँ स्थित है दिल्ली में मनुष्य में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग हो जाता है मिनी माता रोग संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 12 से 35 में चीनी यात्री फाइन किसके शासनकाल में भारत आया चंद्रगुप्त द्वितीय के चोल काल में ब्राह्मणों को दान की गई भूमि क्या कहलाती थी ब्रह्मदे ललित कला अकादमी का स्थापना किस वर्ष की गई उन्नीस सौ ईस्वी में पृथ्वी की जुड़वा वाहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है शुक्र रामकृष्ण मिशन की किसने स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया 6 अगस्त उन्नीस सौ बावन ईस्वी को 1000 से 1026 हजार ईस्वी के मध्य महमूद गजनबी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए सत्रह बार विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला के लिए प्रसिद्ध सूरज कुंड किस राज्य में स्थित है हरियाणा में प्रतिध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है ध्वनि के परावर्तन के कारण संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे सात किसके हाइड्राइड सिलोन कहलाते हैं सिलिकॉन के महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण किस हिंदू शाही राज्य के विरुद्ध था जयपाल के विश्व प्रसिद्ध हेमिस गोम्पा उत्सव कहाँ मनाया जाता है लद्दाख में सौरमंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है पांचवा इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन एरिड लैंड कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया उन्नीस सौ चौहत्तर ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है प्रधानमंत्री अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया वह कार्य क्या था मेवाड़ पर विजय किस राज्य का विशिष्ट त्यौहार ओणम है केरल का एस्वेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है एम्फेसेमा किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद चौदह से अठारह रेडियो का समस्वरण स्टेशन किसका उदाहरण है अनुनाद का किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म का अब्दुल कादिर बदायूनी ने मकर विलक् उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है केवल केरल में किस ग्रह को सबसे सुंदर कहा जाता है शनि को समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था मेगलन राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव कौन होता है योजना आयोग का सचिव दस्तान ने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया अब्दुल समद के द्वारा ऊटी पर्वतीय स्थल किस राज्य में है? तमिलनाडु में सेप्टिक टैंक से निकालने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है मिथेन संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया अनुच्छेद तीन सौ में थके हुए खिलाड़ियों को क्या लेने की सलाह दी जाती है कार्बोहाइड्रेट किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश की आलोचना में अनब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था दादा भाई नोरजी ने कन्याकुमारी किस राज्य में है तमिलनाडु में पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है चंद्रमा एसॉट एट हिस्ट्री के लेखक कौन है अभिनव बिंद्रा किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा दी है के संथानम ने विदेशी पूंजी संसाधनों की लूट और शोषण का जरिया है यह किसने कहा दादा भाई नौरेजी ने प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है मदुरै में डॉफलर प्रभाव किससे संबंधित है ध्वनि से भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है राष्ट्रपति किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है मीथेन को सर थॉमस हॉलैंड से सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था 1916 सौ ईस्वी में विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है मामल्लपुरम में पृथ्वी के अलावा किस एकमात्र ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है मंगल पर ऑक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और जल स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था दादा भाई नोरजी ने हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई है सुर कोटदा से किसने दिल्ली चलो का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी सरकरा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है ग्लूकोज मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस पल्लव शासक के समकालीन थे दंती वर्मन सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था तांबा का किसने करो या मनो का नारा दिया महात्मा गांधी ने नार्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है इक्कीस जून को रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई अठारह सौ ईस्वी में राष्ट्रीय आय के आकलन में मुख्य राष्ट्रीय आय के आकलन में मुख्य आय की गणना किस पर की जाती है केवल पूंजीगत वस्तुओं पर वस्त्र बुनने की कला किस काल में प्रारंभ हुई नव प्रशान काल में किसने कहा आराम हराम आय जवाहरलाल नेहरू सेल्सियस पैमाने को पूर्व में क्या कहा जाता था सेंटीग्रेड पैमाना राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए कर्मश पचास व पचास एल एन जी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का मुख्य घटक कौन सा है मिथन कुतुब मीनार किसमी कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनाया गया कुतुबुद्दीन बख्तियार काके की किसने कहा इलेक्ट दैट वर्क्स। इंदिरा गांधी ने सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है चार जुलाई को प्रतिरक्षा शब्दावली में हमले के नियत समय को क्या कहा जाता है जीरो आवर भारत में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र का देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र मालावार एवं मधुरा विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना को सेनापति कौन था मलिक काफूर भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है पीटीआई तो यह वीडियो ये क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं यह पाँच हज़ार सीरीज का यह पहला क्लास था जिसमें कि मैंने लगभग पाँच सौ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर करा दिए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है अभी हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम होगा एसएससी का रेलवे का या बैंकिंग का या किसी भी स्टेट पीसीएस, जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, बिहार दरोगा यूपी दरोगा राजस्थान पीसीएस या यूपीएससी सभी एग्जाम में यह बहुत ही आवश्यक होने वाला है तो आप लोग इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लें और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें जय हिंद धन्यवाद